दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और आप सबके आदेशानुसार मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ इन्फॉर्मेशन वीडियो, और इस तरह की इन्फो वीडियोस अब आती रहेंगी। आज जो हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं, हमारे कुमार हर्ष भाई कहते हैं कि एक डिटेल वीडियो बनाइए कि लॉन्ग राइड में कौन से पासेस या परमिट और पेपर की जरूरत होती है। तो लॉन्ग राइड्स में मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में लॉन्ग राइड्स करनी है, तो अगर आप इंडिया के अंदर लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस, आपके बाइक के पेपर्स जिसमें आपका RC बुक होता है, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, और इसके अलावा पॉल्यूशन चेकअप PUC, अगर इतना है आपके पास तो आप कहीं भी राइड कर सकते हैं। और साथ में आपके पास में कोई ID भी होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड। और कई जगह पे, जैसे मैं सिक्किम में गया था तो वहाँ पे इनर लाइन परमिट्स वगैरह के लिए आधार कार्ड की मान्यता नहीं थी, वहाँ पे वोटर ID कार्ड मांग रहे थे, तो वोटर ID कार्ड भी रख लीजिए। इस तरह से आपकी ID और आपके बाइक की ID, इतना अगर है आपके पास तो आप इंडिया में कहीं भी राइड्स कर सकते हैं। और इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे अगर आप लद्दाख की बात करें या सिक्किम की बात करें, आप वहां जा सकते हैं इन डॉक्यूमेंट से, लेकिन सिक्किम या लद्दाख में कुछ एरियाज हैं जहां पे इनर लाइन परमिट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप लद्दाख में जाते हैं खरदुंगला टॉप अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सिक्किम में हैं और सिक्किम में आप नाथुला पास जाते हैं तो वहां पर आपको इनर लाइन परमिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहीं भी लॉन्ग राइड्स का प्लान बनाते हैं तो एक बार आप रिसर्च करके देख लीजिएगा कि वहाँ पे कुछ ऐसी जगहें हैं क्या जहाँ पे आपको विशेष पास की जरूरत पड़े, तो अगर पड़ती है तो वो बनवाइए। नहीं तो जनरली अगर आप इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं, बाइक में लॉन्ग राइड करते हैं, तो इतने पेपर्स में आपका काम हो जाएगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी के कागजात जिसमें RC है, आपका इंश्योरेंस है, और आपका पॉल्यूशन चेकअप। इसके अलावा आपकी ID, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए और आप कहीं भी आराम से घूम सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप में से काफी लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे, और इस तरह के और भी कुछ प्रश्न हो आपके मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और आप अपना कमेंट पूछिए कि मैं इस तरह की और कौन कौन सी विषयों पे, कौन कौन से टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊं, जिससे नए नए टॉपिक, नए नए वीडियो आइडियाज मेरे को भी मिलते रहेंगे। और आप लोगों का चैनल है, आप जिस तरह के वीडियोस, जिस तरह के टॉपिक सजेस्ट करोगे मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी भी कारण से आपको वीडियो पसंद आया, या फिर अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया तो पुराने कुछ वीडियोस देख लीजिए या फिर आने वाले वीडियोस का इंतजार करिए। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर सकते, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।